How are you all? Hope you all are fine. This is Tanvi Sharma and welcome back to another video. तो उठ गई मैं यार, आज काफी जल्दी उठ गई हूँ. मैंने सुबह सुबह जैसे ही आँख खुली वैसे ही ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफी टाइम से मैंने बहुत लटन मस्ती कर दी और आज मैंने अपने आप को इतना पंप किया कि नहीं तनु, आज कोई लटन मस्ती नहीं करनी है, जैसे बनती है वीडियो वैसे बनानी है, मतलब खुद से अच्छा ट्राई करना है. चलो फिर करते वीडियो की शुरुआत. पत्र का नाम लिखी चाय बता दी होगी सुबह देवी. देखना कैसे चल रहा है. अच्छा बैठ 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 जा, पहले बैठ जा. कुछ पता चल गया मैं उठ गई हूँ, खेलने आ गया. हाँ मुझे काटा तूने, मुझे काटा. अच्छा नहीं 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 काटा. मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ प्लीज. अच्छा अच्छा चल ले ले. मैं दादी मंदिर से लेके आई. क्या ले, क्या छिड़का आपने? गंगा जल. ये देखो मेरे ऊपर भी पड़ गया. मेरी दादी ना रोज सुबह सुबह पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं मंदिर से आने के बाद. और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, जल्दी कितना ही, मतलब 8 बजे, बट घर पे इतना ये भी जल्दी है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं इतने 8 बजे उठ रही हूँ. हाँ और बैठ जा. अच्छा बैठ को वीडियो बनाना था, वीडियो बना. देखो मेरी दादी ना मंदिर से चनामत लेके आई और ये कैसे पीता है. ये ना रोज पीता है ऐसे, मतलब दादी मंदिर से चनामत लेके आते हैं. पहले हमको साड़ी साड़ी में लगा ऐसे ही करता है क्या, ऐसे दादी ना ऐसे ही पीता होगा, एक दिन पिएगा दो दिन, बट उसने रोज ही पीना है, मतलब रोज ही लेके आते हैं, देते हैं और ही ले और ही पी लेता है. काका कभी कुछ लेके आ रहे, कभी कुछ लेके आ रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ चीज उठा के लेके आता है. दिखा ये देख, अरे क्या लेके आता है. पहले बैठो. ये जो मेरा पिल्लो है ना, ये मैं उधर चंडीगढ़ से, तो स्कूबी ना इसके ऊपर बैठता है, तो जब मैं अभी यहाँ पे लेती हूँ तो और इतना सूंघता है स्कूबी, कौन था इस पिल्लो के ऊपर कितना सूंघते हैं, तो स्मेल आ जाती है. क्या कर रहे हैं कैसे नौटंकी, जब कैमरा स्टार्ट होता है तभी शांत भोला वाला बच्चा बन जाता है, और जब कैमरा ऑन नहीं होता तब देख लिया था आपने स्टार्टिंग में कैसे कर रहा था, और जब कैमरा इसने देखा और चुपचाप ऐसे ले लिया. इन्हें शरारती है ना ये. चलो अब मैं उठ जाती हूँ, था काफ़ी टाइम हो गया बेड पे गप्पे मारूँ कब से. गुड मॉर्निंग ये चल रही है सुबह सुबह. हाँ मैं चल अब तेरी क्या. अच्छा अभी अभी काम करना शुरू कर रहे हैं अभी अपना. आप दोनों कलर एक जैसा लग रहा है, गोरे चिट्टे. क्या है सुबह होती है तो मुझे तंग करना शुरू हो जाता है. क्या है तेरे को, क्या चाहिए, चाहिए कुछ मेरे से. सुबह ही नहीं हुई मुकिन, बड़ा बंदर है ये.
ड्रा आ गया देखना उसको। हाँ वो वहां पे चला गया। ये ना अंदर नहीं आ रहा, फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं आने देना इसको, चल रहा बारी रह बारी बाहर जाके गंद खाता गंद खाता गंद खाता। बना रही सूप वाला खाना ऐसा लग रहा है, मैं रिपीट पे रिपीट करती क्योंकि मम्मी का ये रिएक्शन होता है। और क्या होगा, रोने वाला नहीं फिर। और ये मेरा खाना पनीर वाली परोंठी, दही और पनीर। लेकिन पहले मैं अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ। पहले मैं इसमें डालूंगी ग्लूकोज। अब आप सोच रहे हो कैसा नींबू पानी है। एक्चुअली ना अगर आपको ऐसा लगे कि आपको गर्मी हो रही है या फिर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा या फिर हाँ पेट में इन्फेक्शन वगैरह होती है तो मतलब गर्मी ज़्यादा मेन का गर्मी अगर आपको हो रही है तो आप ऐसा नींबू पानी मतलब नींबू पानी भी नहीं मतलब पानी में नींबू डाल के से ग्लूकोज वगैरह डाल के पी जाओगे खाली पेट तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब गर्मी ठीक हो जाएगी। बस देखना इसके मैं बाल काट रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ रहा नहीं काट। देखना इसको इसके ना ये इतने अभी चलो इस साइड से थोड़े कट गए हैं। देखना मेरे को भी काट रहा है, इसका मतलब है मैं सुंदर नहीं लगूंगा नहीं काटो। देखना मुझे देखना जैसे ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ना, मैं सोच रही थी ये काट लेती हूँ तो ये काटने नहीं दे रहा, मेरे को ही काट रहा है। ये एक बाय रहे हो खराब हो मेरी दादी का ना बर्थडे था। कब था आपका बर्थडे? 5 दिन पहले। पर मेरे को पता नहीं था कि इनका बर्थडे है। 12 अगस्त 5 दिन 75 साल 5 दिन की हो गई मेरी दादी। 75 मतलब 75 है। मैं हूँ वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है। आपको तो पापा का बर्थडे याद है, आपको अपना बर्थडे याद है? इनको मेरे पापा का बर्थडे याद नहीं है। क्यों नहीं है? कब आता है? वो आता है बैसाख महीने आता है 27 तारीख। पापा बोलते हैं उनका दिसंबर में आता है 5 दिसंबर। देख वो रहा अपनी मर्जी से उन्होंने बर्थडे मनाया। स्कूल ऐसा करना जब उसे स्कूल पाना नहीं हो स्कूल उसे हाँ कश्मीरी पंडित ਉਹ ਸਕੂਲ ਰਹੀਏ ਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹ ਕਟਾਏ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹਾਂ ਪਾਏ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਖਣਾ ਪਾਓ ਤੁਸ ਰਹੀਆ ਜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੱਖਣ ਨਾ ਉਹਦਾ और उनके कुंडली के हिसाब से उनका जुलाई में आता है। मेरे पापा का बर्थडे कब आता है हमको नहीं पता, बस हम दिसंबर में बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे। तो अब मेरी दादी अपना बर्थडे सुना रही थी, मतलब उन्होंने कल ही बताया कि उनका बर्थडे हुआ, मुझे पता नहीं था। कब आते हैं अक्सर जैसे शोर से जी रात का साढ़े तालिबान गया उसे लोग नसी गए इं मैं भी उसके पटार बच्चे पाया तो उपरा थल भी खिंदा तो उपर भी खिंदा तो मूँह रखी गया बंद है सामने रखी गया मूँह भाई मूँह ही बंद हो गया इन्ना हारा उसी मकोर कर गया पटार भी पटारू होंगे इं उपरा इं होंगे
दादी हिस्ट्री बता रही है, रुक जाओ अभी बताते कहां कहां से भागे थे। घरों जंदे हे ना बाहर करना राती पर घर आई जंदे हे उधोड़ी जत्थे जंदे हे जत्थे वाले आ जंदे हे। तू अपने आप की नहीं सुना दे कुसे सुना दी कोई ये मैं वीडियो में डालूंगी ना। अच्छा नसी जंदे हे ते उस वेले फिर नस राती चली जंदे हे कुदै बाहर चौने चोआ छुआ होंदियां जियां ये खड्ड है नाला इयां उत्थे छप्पी जंदे जाइए। मैं कहना आता उत्थे होंदे ने बंज उत्थे ग्रां विच चौठियां रखदे बाहर रखदे लोग बंज जिहड़ियां टोकरियां लांदे मेरे मां दी जमीन उसके बीच में छोड़ा है मेरे क्यों भाई ये रोगी दा रोएगी हमें भी मरवाएगी। आप खुद चले गए नाले में चो में। अच्छा मारने आए थे कोई? हाँ जिते चढ़ते हैं ना ते ता फिर बच्चे रोंदा उसको तकलीफ हुआ बच्चा दे रोंदा मैं उस वेले मतलब उस टाइम पे एक दूसरे को मारने आते थे। हाँ तीन महीने भी मतलब लोग आते थे उस टाइम मतलब पुरानी जब दादी मेरी तीन महीने की थी ना तब लोग आते थे मतलब लोग क्या आपस में से लड़ाई वगैरह का ही माहौल होता था। कब की 90 केड़े साल की बात कर रहे हो? ओ पता लगे अंदर 1947 जो भी होता 47 की नोना 47 होंदे कितना था 40 दे 7 1947 की बात सुना रहे हैं दादी। इतनी पुरानी एक और सुनांदी मां मेरी मरो बड़े मारगा ने मारने मां मेरी ले गई मी उठो गड्डी है भाई इन्होंने तो डोगरी में बोला मैं आपको हिंदी में बताती हूँ क्या बोल रहे थे कि ना जब ये 1947 की बात है जब लड़ाइयाँ वगैरह चलती थी मतलब पता ही आपको मतलब बॉर्डर तो डिवाइड हो गए थे पान बोलते ना उस तो बॉर्डर डिवाइड हो गए थे नहीं आदम गए हुए थे जो कल हो या ना ये आदम हुआ था मतलब ऐसे बॉर्डर डिवाइड हो रहे थे उस टाइम पे मेरे भाई तब मरे थे उधर एक मुसलमान लड़का था उसको मेरी माँ बेटा मानती थी उसको वो आया माँ के पास माँ मैं आपके पास आ रहा हूँ इसकी कटाई कर से मुंजी की कटाई कर रहे बाडी आख रहे उसको डोगरी में वो कर रहे थे बोला आखना अम्मा मैं तेरे साथ ना मेरे को उसकी कहानी सुनाते रोना आता है बोलता मैं तेरे साथ ना कट्ठी कराते मैं इसके गड्ढे लगाते हैं ना वो लगाऊंगा नहीं 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 इन्ने चिर जत्था आइए लोग मारने से आइए जिसले दे उसने आख्या नहीं उस ना लाता उस माँ मेले आखना लातिया नहीं पुत्र तू जा मैं आपू बन लिया तू भी मारी होना इतने देखन दे उपर गया आखना खबर किसने बोला उसको इधर उपर चली जाए इधर जंगल बिच छपिया उधर जाइए जिसल जंगल जान लगा थोड़ा जहा अगे गया उन्हें मारी उड़िया हाँ बड़ी इधर ठीक ऐसे से करते थे पहले हाँ ऐसे मारते जो हथे पल पल होंगे जिया होता नी तरशूल अगुआ चौड़ी होंगी कि पिछुआ इं लकड़ी बड़ी लंबा सोटा जो उत्थे दरवाजे तक करते इतों मारी सकता बंदा तो वो कन्नै मारते हे लोग और मैं बड़ा अच्छा लगा मेरा प्यो ने उधर बड़ा काम किया तेरे दादू ने काम किया लाहौर लाहौर में हाँ ये पाकिस्तान लाहौर तब डिवाइड नहीं हुआ था जब की बात सुना मेरे वो नहीं मानते थे मेरा पापा नहीं मानते थे भाई मेरे लिए उसको नहीं देनी वहाँ क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा उसकी ये छोटी है तो जन्म देना मेरे साथ काम किया उसने लोर माँ मेरी नहीं मानती एक ओदा कुछ दूगा कर देने उनकी कुड़ी उनका कर लिया इस तरह करते दोरी का रिश्ता करते मेरी ननान ने पहले पहले ऐसे ऐसे करते थे ऐसे करते थे लड़कियां ऐसे थोड़ी देते थे जैसे अब देते हैं उस दूरी का रिश्ता करते हैं दूरी का ऐसे होता है भाई मेरा भाई ने शादी करनी तो उसकी मेरी ननान ब्याहनी उसके भाई ने कहा शादी करनी मेरे को ब्याहना ऐसे करते थे उनसे उनसे घर से लानी अपने घर से ऐसे दूरी का रिश्ता
चला। मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ शॉर्ट में। ये सुना रहे थे कि ना 1947 की बात है, जब ये पैदा हुए थे तब की बात सुना रहे थे। डिवाइड हो रहा था या नहीं हुआ था सब पता नहीं, छोटे होते थे ना तो ना इनको बच्चा जैसे रो रहा होता था तो आवाज़ें आ जाती थी, फिर इनको ना ऐसे टोकरी में मतलब बंद कर देते थे ताकि इनकी आवाज़ नहीं आए बाहर और कोई मतलब किसी को पता नहीं चले यहाँ पर लोग रहते हैं तो मारने नहीं आए थे वैसा वैसा। इनका एक भाई था, दादी की जो मम्मा थे वो ना एक मतलब लड़के दो बेटे थे ना उनके, दो मर गए ना दो, मतलब जो मेरी दादी के भाई थे वो दोनों की डेथ हो गई थी। तो एक मुस्लिम मतलब जो थे वो मेरे मतलब वो मेरी दादी की मम्मा उनको अपने बेटे जैसा मानते थे, तो तब हिंदू मुस्लिम की बहुत लड़ाई वगैरह चलती होती थी। तो जब वो मतलब वो मेरी दादी की मम्मा से मिलने आए होंगे ना, और उस टाइम पे मतलब उन्होंने बोला कि मैं काम कराता हूँ आपके साथ, बट मेरी दादी की मम्मा ने बोला नहीं तू यहाँ से जा, नहीं तेरे को देखा तो मार देंगे यहाँ पे तेरे को। तो किसी ने बोला कि हाँ तू जा वहाँ पे जंगल वाली साइड से चला जा वापस, नहीं तो मतलब होता होगा उस टाइम पे। फिर जब वो जा रहे थे वापस तो उनको मार दिया, नहीं था हो रहा था मतलब तब ऐसा ही होता था मतलब एक दूसरे को मार दे रहे थे उस टाइम पे। तो ये सुना रहे थे और वो अपनी शादी की बात भी सुना रहे थे कि मेरे को छोटी उम्र में शादी करवा दी, और उस टाइम पे ऐसे करते थे कि अपने घर से एक लड़की दे दो और जिसके घर में शादी हो रहा उस घर से एक लड़की ले आओ। शॉर्ट शॉर्ट में जो मैं समझ होता है, मैं तो मेरे को दोह देती तो वो भी उस उनकी लड़की को भी दोह देना पड़ता था, फिर देते सौदा। हां दोरी का आज तो यार मेरी दादी ने ब्लॉग बना लिया मतलब अपनी कहानियाँ सुना सुना के, और अच्छा लगता है ना ऐसे पुरानी बातें सुनना मतलब कैसा क्या होता था उस टाइम पे। और ऐसे ज़्यादातर दादी ऐसे कुछ बताती नहीं है बट आज बताया उन्होंने तो अच्छा लगा ऐसे सुनने में भी और आपको भी सुनाने में। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो बस ऐसी कुछ थी आज की वीडियो, करें इस ब्लॉग को यहीं पर, आई होप लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।